तो दोस्तों आज मैं आपको नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है और इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक का नाम है, वो है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो भाग में हिंदुस्तान में शासन किया। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, जो 1757 से लेकर 1857 तक चला। रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 के विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में हिंदुस्तान का बागडोर संभाल लिया। तो दोस्तों जो ब्रिटिश पॉलिसी जो 200 वर्षों में प्रिंसली स्टेट्स के साथ में रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा रजवाड़े थे, वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में बहुत सारे राजा रजवाड़े अस्तित्व में आए, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, बंगाल और देश के विभिन्न हिस्से जैसे पंजाब का एरिया, और देश टुकड़े टुकड़े में बट गया। ये सारे जो मुगल साम्राज्य के अधीन जो सूबेदार थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो एक तो इस प्रकार के प्रिंसली स्टेट थे जिसको नेटिव स्टेट भी कहते हैं, लेकिन कुछ स्टेट प्रिंसली स्टेट ऐसे भी थे जिसको कि अंग्रेज ने खुद उसकी रचना किया था, क्रिएट की। कुछ प्रिंसली स्टेट का निर्माण संधि के आधार पर हुआ था। तो इस तरह से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय में 565 प्रिंसली स्टेट या नेटिव स्टेट हिंदुस्तान में मौजूद थे। मैंने अनडिवाइडेड इंडिया में, अविभाजित भारत में 565 प्रिंसली स्टेट मौजूद थे, और कुछ स्टेट का तो क्षेत्रफल एक वर्ग किलोमीटर से भी कम था। तो जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार एक कंपनी से एक टेरिटोरियल कंपनी के रूप में हुआ, उसी तरह से हमारे देश में प्रिंसली स्टेट का भी निर्माण हुआ और उनकी संख्या मशरूम कर गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो स्टेजेज हैं जो ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट, वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, मैंने एक रूप नहीं रहा, समय के साथ में उस पॉलिसी में परिवर्तन आते गए। अब उस स्टेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला जो स्टेज है वो है फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ सबोर्डिनेशन टू इक्वालिटी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने 1717 में मुगल एम्परर फर्रुखसियार से फरमान प्राप्त कि वह बंगाल में फ्री ट्रेड करे, और इसी तरह से गोलकुंडा से भी उन्होंने फरमान प्राप्त किया था ताकि उनका जो व्यापार वाणिज्य है वो अबाध गति से चले, उन्हें कस्टम नहीं देना पड़े, कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़े। लेकिन बाद में 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें कि मैंने पूर्व के वीडियो में डिटेल में व्याख्या किया है, तो प्लासी के युद्ध में जब उन्होंने नवाब को षड्यंत्र करके हराया, तो उसके बाद उन्होंने मिर्जाफर को, जो उसका कमांडर इन चीफ था, उसे नवाब बनाया, और साथ साथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का जमींदारी भी प्राप्त कर लिया। और इसके अतिरिक्त जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, तो उसे बर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर, ये तीन डिस्ट्रिक्ट का भी जमींदारी उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाल में, पूरे सूबा बंगाल में फ्री ट्रेड का कंसेशन भी प्राप्त किया। और जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट था, जो एक भगोड़ा था, फ्यूजिटिव था, और वो इलाहाबाद में रह रहा था,
और साथ साथ मैंने लखनऊ में रह रहा था और साथ साथ उसने अवध के नवाब इन तीनों की सम्मिलित सेना को हराया बक्सर में। और इसके कारण पूरे बंगाल सूबा, उड़ीसा, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट से दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिया, मतलब रिवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। और बंगाल में उन्होंने क्या किया, बंगाल में उन्होंने नवाब के साथ में संधि करके नवाब को मजबूर कर दिया गया, और जो निजामत का अधिकार है मतलब पुलिस प्रशासन और जुडिशियरी न्याय प्रशासन, ये अधिकार भी उन्होंने नवाब से प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से निजामत और दीवानी दोनों अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गए। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि निजामत के लिए उन्होंने, बंगाल में निजामत के लिए उन्होंने डिप्टी सूबेदार रेजा खान को नियुक्त किया, और दीवानी के लिए बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स या रिवेन्यू कलेक्शन वसूलने का काम राजा सिताब राय को अंग्रेजों ने दे दिया। और फिर निजामत का दीवानी राइट्स माने रिवेन्यू कलेक्शन को वसूलने का काम भी रेजा खान के पास में दे दिया, और उन्होंने एक क्लॉज लगाया कि रेजा खान को और राजा सिताब राय को बिना कंपनी की अनुमति के नहीं हटाया जा सकेगा। तो इस तरह से 1765 में उन्होंने द्वैत शासन की स्थापना की, और इसका जो कर्ता धर्ता था वो था लॉर्ड क्लाइव, जिसने कि पलासी का युद्ध जीता था धोखे से। तो इस तरह से कंपनी के पास में पूरे अधिकार आ गए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं था। उनके दोनों जो इंडियन एजेंट थे वो काम करते थे, और सारा पैसा हड़पने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोगों के द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, डिटेल में बताया था, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि 1757 के पलासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल कंपनी हो गई, और वो जो दूसरे जो पावर्स थे उस जमाने में, जैसे कि मराठा की सत्ता लाहौर तक पहुंच गई थी, एक ताकतवर इंडियन पावर्स था उस जमाने में, मैसूर, निजाम और राजस्थान के बहुत सारे राजपूत राजा, ये सारे इंडियन पावर्स जो थे, या सिख लोगों का सत्ता जो उन्होंने पंजाब के विभिन्न विभिन्न एरिया में स्थापित किया था, और बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा उन सारे मिसल को एक में मिला करके बहुत बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो सारे जो इम्पोर्टेंस जो शक्तियां थी, जो हिंदुस्तानी शक्तियां थी, उनसे अब ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर के ओहदे पर बात करती थी। मतलब उनका जो दूसरे जो प्रिंसली स्टेट थे उससे वो उनके बराबर के लेवल में हो गए, मैंने उनके इक्वल स्टेटस में पहुंच गया। ये जो पीरियड हुआ वो 1740 से लेकर 1700 बक्सर के युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब के साथ भी समझौता किया था, और उसमें समझौता का एक क्लॉज था कि अवध में अंग्रेजी सेना माने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी,
और उसका सारा खर्चा या भार अवध के नवाब द्वारा किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने अवध को अपने ग्रिप में ले लिया। वैसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो चाहते थे कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबा जो उन्होंने जीता है, उस पर जो दूसरी शक्तियां हैं, जो दूसरे पावर्स हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में अफगान पावर्स बहुत ज़्यादा सक्रिय था, बहुत ताकतवर था, अफगानिस्तान में, पंजाब में बहुत देसी राज्य या सिखों का राज्य बहुत ज़्यादा उभर रहा था। इसके अतिरिक्त मराठा लाहौर तक पहुंच गए थे, निजाम दक्षिण में विस्तारवादी नीति पर चल रहा था, तो उन्हें ये लगा कि अगर हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबा को, जो उन्होंने अभी अभी अपने हाथ में लिया है, तो उस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं, इसीलिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 से लेकर 1813 ये पॉलिसी निर्धारित किया। और जिसमें पहला जो काम था उनका, वो था अवध के साथ समझौता, और इसके तहत में ब्रिटिश फौज लखनऊ में रखने का उन्होंने उपबंध कर लिया। और इसके साथ ही उन्होंने एक क्लॉज भी लगा दिया कि फौजों के मेंटेनेंस पर जो खर्च आएगा वो अवध के नवाब द्वारा उठाए जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने का प्रयास किया। तो ये जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है वो 1765 से लेकर 1813 तक चला, और इसी के तहत में उन्होंने, माने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश किया कि जैसे दक्षिण में उन्होंने कर्नाटक जीत लिया था, तो उसको भी सुरक्षित करने का उन्होंने, माने आज की तारीख में कोरोमंडल कोस्ट, उसको भी सुरक्षित रखने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। ये जो पीरियड है 1765 से 1813, इसके अलावा इन्होंने, माने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद, मैसूर, राजपूताना के विभिन्न राजपूत नरेशों के साथ में सब्सिडी अलायंस किया, सहायक संधि किया, और इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे लॉर्ड वेलेसली, और उसमें उन्होंने ये रूल बनाया कि जो देसी राज्य सहायक संधि अपनाती है तो वह किसी दूसरे राज्य के साथ में अपने फॉरेन पॉलिसी के संबंध में बात नहीं कर सकता, अगर बात करने की आवश्यकता पड़ी तो उसे गवर्नर जनरल के माध्यम से बात करना होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, फॉरेन पॉलिसी, जो देसी राज्यों के जो फॉरेन पॉलिसी था, जो विदेश नीति था, उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। हालांकि आंतरिक मामले में देसी राज्यों को स्वतंत्रता थी, वो कुछ हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन जो विदेश नीति थी देसी राज्यों की, उस मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे वो अधिकार छीन लिया। और इसके अलावा प्रत्येक देसी राज्य में उन्होंने अंग्रेजी फौज स्टेशन किया, मतलब वहां रखा, और उस फौज का जो खर्च वहन करने का जिम्मेवारी संबंधित देसी राज्य के जिम्मे थोप दिया, और वहां पर प्रत्येक देसी राज्य में जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे उनको उनके राज्य में
ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट मौजूद रहता था, जो देखता था कि इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके बारे में वो विस्तृत रिपोर्ट गवर्नर जनरल को देता था। तो हालांकि कहने के लिए आंतरिक मामलों में देशी राज्यों को ऑटोनोमस रखा गया था या इंडिपेंडेंट रखा गया था, लेकिन वास्तविक अर्थ में अगर देखेंगे तो वहां भी उनका शिकंजा कसा हुआ था। यह काम उन्होंने क्यों किया? ताकि जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो है उसको सुरक्षित किया जा सके और देशी राज्यों को मजबूर कर दिया जाए कि वो किसी तरह से उनके खिलाफ होस्टाइल ना हो जाए, माने उनका शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं हो जाए और वो एंटी पार्टी के साथ में नहीं मिल जाए। इसीलिए इस पॉलिसी को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ये पीरियड 1765 से लेके 1813 तक चला। इसके बाद दोस्तों पॉलिसी ऑफ सबोर्डिनेट आइसोलेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीरियड 1813 से लेके 1857 तक चला और इसी पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्री ट्रेड की नीति अपनाई, स्वतंत्र व्यापार, और इसके बारे में हम आपको डिटेल में पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। तो 1813 से लेकर 1857 तक उन्होंने इन देशी राज्य और अजवारों को उन पर शिकंजा कसते गए और उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप उनका बढ़ता गया। और चूंकि ब्रिटिश नीति थी कि अधिक से अधिक एरिया को इंटीग्रेट करो, मतलब ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल करो, जिसके तहत में उन्होंने बहुत सारे जो देशी रियासत थे उसको एनेक्स कर लिया, मैंने अपने ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, उसने अपने पीरियड में 8 से अधिक देशी रियासतों को ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया बाय द इन्वेंशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक के सिद्धांत के आधार पर, कि जिस देशी रियासत के राजा को नेचुरल हेयर या सक्सेसर नहीं होगा, यानी उनको पुत्र नहीं होगा, तो वो गोद नहीं ले सकते और उनका राज कंपनी राज्य में मिला लिया जाए। और इस तरह से उन्होंने नागपुर को, झांसी को, संभल जो छत्तीसगढ़ में एरिया पड़ता था, जैतपुर, बहुत सारे देशी रजवाड़ों को ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया। तो ये पॉलिसी ऑफ सबोर्डिनेट आइसोलेशन इस पीरियड को कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पॉलिसी ऑफ सबोर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाया और इस पीरियड, ये जो पीरियड था वो स्वतंत्र व्यापार का पीरियड था ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो एकाधिकार था व्यापार में, वो समाप्त हो गया था। बहुत सारे जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो हिंदुस्तान में आना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे और उनकी एक ही मंशा थी कि अधिक से अधिक इलाके को ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल किया जाए ताकि उनके माल जो मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं वो उनके माल बिकें और यहाँ से कच्चा माल वो ले जाए। यह उनका पॉलिसी था। तो ये 1813 से लेकर 1857 तक चला और इस पीरियड में बहुत सारे इलाकों को, देशी रजवाड़ों को, रियासतों को ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व था, जो शिकंजा था, वो और ज्यादा इन राज्यों पर कस गया। तो वो आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करने लगे और वो हस्तक्षेप क्या था कि अगर कोई राजा
का कोई उत्तराधिकारी नियुक्त होता है, मतलब भले ही नेचुरल हेयर हो, या कोई राजा की मृत्यु हो जाती है किसी राजा की, तो उसके बाद जो उसका बारिस होगा उसमें भी कंपनी सरकार का दखल होता है। तो इस तरह से, और उन्होंने बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने चूक के सिद्धांत तो लागू कर ही दिया था। तो ये पीरियड जो था वो विगरस एनेक्सेशन पॉलिसी का पीरियड था। अब दोस्तों हम चलते हैं पॉलिसी ऑफ सबोर्डिनेट यूनियन। ये पॉलिसी ऑफ सबोर्डिनेट यूनियन ये क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, तो उस क्रांति में अंग्रेजों को एक सीख मिला, और जैसा कि लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर ये देसी राजा रजवाड़े रियासत, इन्होंने ब्रेक वाटर का काम किया, अगर ये नहीं होते तो हिंदुस्तान से उन्हें तत्काल ही जाना पड़ता। तो इसी पॉलिसी के तहत में उन्होंने 1858 एक्ट के तहत में उन्होंने नियम बनाया कि अब से किसी भी देसी रियासत को ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल नहीं किया जाए, उनके राजा को अपदस्थ किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर वो कुशासन करते हैं तो, लेकिन उनके राज्य को नहीं मिलाया जाए। ये पॉलिसी उन्होंने डेलिबरेटली अख्तियार किया था, और इस पॉलिसी के तहत में 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को कैसर ए हिंद की उपाधि धारण कर ली, इंप्रेस ऑफ हिंदुस्तान, और इस तरह से देसी जो रियासत था उनका स्थान जो अभी तक वो अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट के समकक्ष मानते थे, अब उनका जो ओहदा था, पोजीशन था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया। और इसी पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारामाउंटसी, ब्रिटिश पारामाउंटसी मैंने ब्रिटिश सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये जो पीरियड है वो 1857 से 1935, ये पीरियड, इस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी देसी रियासत को अपने ब्रिटिश टेरिटरी में नहीं मिलाया, लेकिन उन्होंने दो तीन काम और किए, और वो काम क्या था? कर्जन ने 1905 में पॉलिसी ऑफ पेट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्वेलेंस का थ्योरी विकसित किया, और वो देसी रियासतों पर और ज्यादा शिकंजा कसते गए, क्योंकि कर्जन, लॉर्ड कर्जन एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक था, और ऊपर से ब्रिटिश पूंजीपतियों का बहुत ज्यादा दबाव था, और वो चाहते थे कि देसी रियासत भी हिंदुस्तान के ब्रिटिश टेरिटरी के इंटीग्रेशन में या उसको एकीकृत किया जाए, ताकि उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो, हिंदुस्तान के समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए। और इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने एक पॉलिसी अख्तियार किया था, और वो पॉलिसी का नाम था पेट्रोनेज और इंट्रूसिव सर्वेलेंस, वो सर्वेलेंस का भी काम करते थे ब्रिटिश वायसराय कि देसी रियासत में सही ढंग से गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ का प्रशासन सक्षम है या नहीं है। इसके पहले 1856 में उन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिला ही लिया था मिस गवर्नेंस के चार्ज में, कुशासन के चार्ज में। तो इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश टेरिटरी और इंडियन स्टेट्स टेरिटरी दोनों का धीरे धीरे एकीकरण होता गया, इंटीग्रेशन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो एक वन पॉलिटिकल सिस्टम मानने लगी, जहां पर कि देसी रियासत और ब्रिटिश टेरिटरी दोनों इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट थे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पार्ट थे, और जैसा कि बटलर ने अपने रिपोर्ट में कहा
जो बटलर कमीशन 1927 में उन्होंने उन्होंने कहा कि जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात आएगी तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है कि वो देसी रियासत है या वो ब्रिटिश टेरिटरी है, हम एक साथ लड़ेंगे या एक रूपकार पॉलिसी अख्तियार करेंगे। ये बटलर कमीशन की रिपोर्ट है। बटलर कमीशन ने 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में भी कहा और उन्होंने कहा कि ये जो है वो सर्वोच्च है, ये सब पर लागू होता है, ब्रिटिश टेरिटरी पर भी लागू होता है और इंडियन स्टेट पर भी लागू होता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी इंडियन स्टेट को ब्रिटिश टेरिटरी में तब तक नहीं मिलाया जाएगा जब तक कि उस इंडियन स्टेट या उस देसी रियासत की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो। तो इस तरह से अंग्रेजों का जो पॉलिसी रहा वो 1921 में उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के लिए चैम्बर बनाया, चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट, और उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। और ये जो चैम्बर जो बनाया था उसका विशेष काम जो था वो था सलाह देने का, मशविरा करने का, इसको कोई ज्यादा पावर नहीं था। तो इस तरह से 1857 से लेकर 1935 तक ये जो पीरियड था वो उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन, जिसमें कि राजा रजवाड़े को पेम्पर किया गया, जो अवध के जो जमींदार और तलुकदार थे जिसको कि 1856 में उनके सारे जमीन छीन लिए गए थे और किसानों को बांट दिए गए थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि एक किसान जो है वो विद्रोह में शामिल थे, हालांकि वो जमींदारों के साथ शामिल थे, लेकिन इसका बहुत जबरदस्त परिणाम किसानों को भुगतना पड़ा और जो किसानों को जो जमीन दिया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा वो जमीन पुनः उनसे लेकर के तालुकदार मतलब जमींदार को सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि हिंदुस्तानी समाज में जो देसी रियासत है और जो जमींदार है, तालुकदार है या पोलीगर्स है, दक्षिण भारत में पोलीगर्स बोलते हैं, ये सारे अंग्रेजों के समर्थक हैं, पिट्ठू हैं, और उसको उन्होंने पेम्पर किया। और इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी अख्तियार किया कि अब से मैंने 1858 के बाद से किसी भी देसी रियासत को हिंदुस्तानी टेरिटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ पर कुशासन होगा या कोई राजा इस प्रकार का गलत व्यवहार करेगा, गलत नीति अपनाएगा, तो उसको पनिश कर दिया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन उसे या उसे डिपोज कर दिया जाएगा, अपदस्थ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके राज्य को ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल नहीं किया जाएगा, दूसरे को राजा बनाया जाएगा। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति से सबक सीखा था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन जैसे कि 1935 का एक्ट जो उन्होंने बनाया था, उस एक्ट में उन्होंने एक प्रावधान रखा था कि एक फेडरेशन होगा जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेज होंगे और प्रिंसली स्टेट के भी प्रोविंस स्टेट्स भी होंगे, और प्रिंसली स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वहाँ के राजा के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और जो ब्रिटिश इंडिया में जो फेडरेशन होगा उसमें जो चुनाव होंगे वो यहाँ के आम जनता के द्वारा चुने जाएंगे। हालांकि ये जो फेडरेशन का जो कंसेप्ट था, जो संघ, वो नन स्टार्टर रहा, क्योंकि उसके कुछ दिनों के बाद में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और अंग्रेजों ने इसको फेडरेशन पार्ट को छोड़ दिया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और साथ साथ देसी राजवारों ने भी बहुत विरोध किया, चूंकि वो जानते थे कि ये जो देसी रियासत है ये तो हमारे बहुत बड़े समर्थक हैं तो इनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। और इसीलिए हालांकि उनका ये जो मंशा था वो था इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये अच्छा बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन देसी रियासतों ने इसको नहीं माना, तो इसीलिए ये फेडरेशन लागू नहीं हुआ। हालांकि 1935 के बहुत सारे जो प्रोविजंस थे वो लागू हुए, लेकिन जो फेडरेशन का पार्ट था
जिसमें कि सेंट्रल असेंबली में 125 सीट मतलब आउट ऑफ 375 सीट्स में से 125 सीट प्रिंसली स्टेट को देने का विधान था, तो ये फेडरेशन पार्ट लागू नहीं हो पाया। इसके बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटिश ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ध्वस्त हो गई थी, नेवल मुटनी हुआ था अरबियन सी में, तो इसके कारण अंग्रेजों ने ये सोचा कि हिंदुस्तान को हमें आज़ाद करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो दबाव था, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था खास करके अमेरिका का, तो इसके कारण से अंग्रेजों ने निर्णय कर लिया कि उन्हें हिंदुस्तान से जाना ही होगा और हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे। इसीलिए 3 जून का जो डिक्लेरेशन था माउंटबेटन का, उसमें उन्होंने कहा कि इटली का जो डिक्लेरेशन था उसमें उन्होंने कहा कि 1948 से पहले देश को मतलब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन माउंटबेटन ने साफ कर दिया कि हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट करने नहीं जा रहे, क्योंकि इस पीरियड में इन 3-4-5 साल के पीरियड में प्रिंसली स्टेट मैंने देसी रियासतों ने अपना गुट बनाया, उन्होंने कोशिश किया कि वो एक थर्ड पार्टी के रूप में या थर्ड ग्रुप में वो काम करें, और उन्होंने अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाया कि चूंकि हम लोग आपके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, तो चूंकि अब आप जा रहे हैं तो इसलिए हमको आप हमें भी आप इंडिपेंडेंट करके सॉवरेंटी दे करके जाओ। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो प्रिंसली स्टेट है, देसी रियासत है, या तो वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई सॉवरेंटी नहीं दी जाएगी, अर्थात उन्हें आज़ादी नहीं दी जाएगी। ये था उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड मर्जर। देश हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में दोस्तों आपको मालूम है कि देश दो भागों में विभाजित हो गया, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, और अंग्रेजों ने साफ किया कि जो देसी राज्य हैं वो या तो पाकिस्तान में मिलें चाहे हिंदुस्तान में मिलें। तो इसी के तहत बहुत सारे जो राज्य थे, लगभग 136 देसी रियासत, तो स्वेच्छा से तक 15 अगस्त 1947 के पहले ही हिंदुस्तान में मिल गए थे, लेकिन बहुत सारे जो रियासत थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसमें वल्लभ भाई पटेल जो उस समय में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने परसुएशन, उनको समझाने बुझाने और हिंदुस्तान के व्यापक हित में उन्हें मनवाने की पूरी कोशिश किया। बहुत सारे देसी राज्य हिंदुस्तान में मिल गए, लेकिन 3 जो देसी राज्य रहा, खास करके जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये बहुत बड़ा सरदर्द बना। जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब था, हिंदू बहुसंख्यक था, हिंदू बहुसंख्यक हिंदुस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन जूनागढ़ का नवाब जो है ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया और वहाँ की जनता ने हिंदुस्तान में शामिल होने का इच्छा व्यक्त किया और इसलिए जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिला लिया। इसके बाद में हैदराबाद का जो निज़ाम था वो न तो हिंदुस्तान में मिलना चाहता था और न पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वो एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टील ट्रीटी भी कर रखा और वो गोवा जो पोर्ट है उससे वो आउटलेट चाहता था ताकि उसको समुद्री रास्ता मिल जाए, वहाँ का जो उसका स्टॉर्म ट्रूपर्स जो उसकी सेना थी जिसको राजाकार बोलते हैं, लोगों पर अत्यधिक ज्यादती और जुल्म कर रहा था और दूसरे विदेशी पावर से भी निजाम की बात चल रही थी। ऐसे ही परिस्थिति में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पुलिस एक्शन किया गया। पुलिस एक्शन क्यों किया गया? मिलिट्री एक्शन अगर किया जाता तो हिंदुस्तान एग्रेसर के रूप में निरूपित किया जाता,
और हो सकता है कि यूएनओ इंटरफ्रेंस करता, हस्तक्षेप कर सकता था। तो इसीलिए भारत सरकार ने एक डिप्लोमेटिक प्लान बनाया और इसके ताकि वो यूएनओ का या बिग पावर्स का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है ना शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गई है, इसलिए हम पुलिस एक्शन कर रहे हैं। और इसी पुलिस एक्शन के तहत में फिर हैदराबाद स्टेट को हिंदुस्तानी भूभाग में मिला लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ, जो आज तक चल रहा है, वो जम्मू कश्मीर का। 15 अगस्त 1947 तक जो जम्मू कश्मीर का जो महाराजा था, वो ये मन नहीं बना पाया कि उसे हिंदुस्तान में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा हूँ। लेकिन जब 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौज जो कवायली के भेष में जम्मू कश्मीर राज्य पर आक्रमण कर दिया और वह जम्मू कश्मीर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे, तो उसके बाद में कश्मीर के महाराजा ने एक्सेशन पर दस्तखत किया, विलय पत्र पर दस्तखत किया और वो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। यहाँ की सेना वहाँ की सुरक्षा वास्ते भेजी गई, लेकिन तब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पूरे भूभाग का एक तिहाई भूभाग, उसमें मुजफ्फराबाद शहर भी शामिल है, उसको अपने कब्जे में ले लिया था, जो अभी तक उसके कब्जे में है। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदुस्तान का एकीकरण हुआ। इसके बाद जो लास्ट फेज है, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, धीरे धीरे देशी रियासतों का एकीकरण हिंदुस्तान में हुआ। जब आज़ाद देश हुआ था तो उस समय में जो बहुत सारे देशी रियासत जो छोटे छोटे थे, उनको बड़े राज्यों में, बड़े प्रोविंसों में शामिल कर लिया गया। और ऐसे जो 216 जो छोटे छोटे रियासत थे, उनको जो नज़दीक के जो प्रोविंसेस थे उनके साथ में जो ग्रुप ए, पार्ट ए राज्य जो हिंदुस्तान का था, उसमें शामिल किया गया। बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के, ये जो छोटे राज्य थे, उनको बगल के प्रांत में शामिल किया गया। इस तरह से उन्होंने ए बी सी डी चार ग्रुप बनाए और चार प्रकार के राज्य, जिसमें कि बहुत सारे जो टेरिटरी थे उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र जैसे मणिपुर और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के, बहुत सारे जैसे हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जो एरिया थे वो उनको सीधे केंद्र के अधीन रखा गया, क्योंकि वो सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन 1956 में 7वें संशोधन के द्वारा ये जो कैटेगराइजेशन था ए बी सी डी, उसको समाप्त कर दिया। अभी की स्थिति दोस्तों ये है कि 1956 के बाद से, और उसके बाद में भाषा के आधार पर 1956 के बाद में बहुत सारे राज्य बने, तो इस तरह से हिंदुस्तान में अब जो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें राज्य है और केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। इस तरह से हिंदुस्तान का एकीकरण पिछले आज़ादी के 72 साल के दरमियान में अब पूरी तरह से हो चुका है। तो आपने दोस्तों ये देखा होगा कि जो अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के साथ में किस तरह से अपनी राजनीति को या अपनी नीति को बदला। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और बाद में ब्रिटिश क्राउन के अधीन, जो ये पावरफुल होती गई, जो ये सर्वशक्तिमान होती गई, इसके साम्राज्यवादी हित भी बढ़ते गए। और इस तरह से आपने देखा होगा कि 1849 में उन्होंने पंजाब को कब्जा कर लिया, 1846 में उन्होंने सिंध को कब्जा कर लिया, उसके बाद में उन्होंने अफगानिस्तान के जो आधे भाग हैं उस पर कब्जा किया, तिब्बत पर उन्होंने अपना दावा ठोका, बर्मा को उन्होंने मिलाया,
तो इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के जो जो भारतीय प्रायद्वीप है उसमें सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में वो सामने आए, और इसी कारण से देशी राजवाड़ों के साथ में, रियासतों के साथ में भी उनका समय समय पर उनका पॉलिसी चेंज होता रहा। तो दोस्तों आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जरूर सुझाव दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दीजिए, मैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे कंटेंट्स के बारे में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। ये फ्री ऑफ चैनल है, तो आप लोगों से आग्रह है कि आप वीडियो को जरूर देखें, उसको समझें, अगर कोई त्रुटियां नजर आती है तो उसके बारे में भी अपने सुझाव से हमें अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।